आतंकवाद को हराइले कश्मीर पु निज खेल आणिले पूरा कश्मीर गर्व भारतीय क्रिकेट टीम रे खेलिबे कश्मीर रौजरी युव क्रिकेटर अमान जारी अर्गस को नववर्ष शुभेच्छा सह बांटिले कश्मीर युव पीढ़ी संघर्ष सफलतार कथा कहले मते सचिन और धोनी बहुत पसंद भारत पाई खेलबा पाई देखिथिलि छोटो बेलु स्वप्न suddenly why people are getting more interested towards cricket other sports जी जब आपने जब हमारे वहां पे सबने देखा कि जो हमारे जितने भी लोग हैं वो पहले तो कुछ हमारे जो दोस्त हैं कुछ भाई हैं वो ड्रग्स की हालत में नशे की हालत में मर रहे हैं तो फिर जब मैंने इस चीज को देखा तो मैंने सबसे कहा कि एक स्पोर्ट्स में आइए नशे को दूर रखिए ये गलत काम है ये गलत चीजें इनसे दूर रहिए स्पोर्ट्स में आइए अपने अंदर स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट्समैनशिप रखिए और आगे बढ़िए और फिर थोड़ा सा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने काफी सपोर्ट रखा और जो नरेंद्र मोदी जी हैं इनने जो खेलो इंडिया का अभियान चलाया उससे जितने हमारे जम्मू कश्मीर के युवा हैं वो प्रभावित हुए तो आज हमारे साथ फोन पर है अमान जारी अमान जारी अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को थैंक यू सो मच पहले तो मैं आपका करना चाहूंगा तो मैं अमान जरी बेसिकली जेएनके से हूँ एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में इसका नाम है राजौरी तो ये एक बॉर्डर इलाका है एक फार फ्लंग इलाका है तो मैं यहाँ से ताल्लुक रखता हूँ और मेरा भी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ दुबई फोर नेशंस कप में जैसे कि आपने देखा कि इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप में भी अपनी वहां विजय हासिल करके वो इंडिया में लौटे तो अब हमारी भी जो है टीम जा रही है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए दुबई फोर नेशंस कप में जिसमें ओमान पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी बड़ी टीम्स ने जो पार्टिसिपेशन ली है जी तो हमारे जो दर्शक है बताना चाहूंगा अमान जारी ये कश्मीर से है और ये क्रिकेट खेल रहे हैं अमान पूछना चाहूंगा आप क्रिकेट में कैसे तो कश्मीर में टैलेंट काफी ज्यादा है बट हमें जो चीज नहीं है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है बट वहां का जो थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा माहौल भी काफी ज्यादा मिलता नहीं है एज कम्पेयर टू दिल्ली और बाहर की सिटीज से तो वहां से मैं ताल्लुक रखता हूँ और वहां पे इतना ज्यादा एक एडवांस नेचर नहीं है तो मुझे काफी सारी दिक्कतें आई उस चीज को पाने के लिए और बचपन में ऐसे कौन से प्लेयर थे जिनको देखकर तुम्हें लगा कि मैं इन जैसे खेलना चाहूंगा जी मैंने शुरू से ही जो है सचिन जी को देखा है सचिन जी और महेंद्र सिंह धोनी जी को देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ और मुझे लगता है इट्स बीन अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी कि मुझे इतने बड़े दिग्गजों के एक मतलब साये में रहने का मौका मिलेगा उनकी एक कोचिंग में और उनका एक साया होगा मेरे ऊपर तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी और मैंने उन्हीं को देख के आज जहाँ पे भी हमें हूँ सबका श्रेय उनको देता हूँ अगर किसी दिन उनसे मुलाकात हुआ तो क्या बताओगे बताना उस टाइम मैं अब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूँ कि वो मेरे लिए फीलिंग क्या होगी कि इतने बड़े दिग्गजों को अपने सामने देखना अपनी आंखों के सामने देखना क्योंकि जिनको आप देख देख के बड़े हुए हो जिनको देख देख के आप खेले हो और उनको मिलना ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए 2011 में जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तब भी आपने मैच देखा होगा तब कैसा लगा जी बहुत प्राउड फील हुआ कि हम एक भारतीय हम एक इंडियन है जब हम अपनी टीम को खेलते हुए देखना देखते हैं हम जब बाहर कंट्रीज में जाके अभी आपने देखा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कितनी अच्छी विजय हमें हमारी भारत को मिली है तो काफी अच्छा फील होता है और एक एज एन इंडियन हमें काफी प्राउड महसूस होता है जितने भी हमारे यंगस्टर्स भाई हैं वो उड़ीसा से हैं या जम्मू कश्मीर से या ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं तो मैं इनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप जो भी ड्रग्स की अशिया हैं जो भी गलत काम है जो भी बुरे काम है उनसे दूर रहिए स्पोर्ट्स में आए क्रिकेट में आए आप जिस भी फील्ड में बेस्ट हैं अपना बेस्ट दें और बिल्कुल कामयाबी आपके साथ रहेगी आप अपना बेस्ट दें बस गलत कामों से गलत बुरी बातों से दूर रहें सबकी दुआएं अपने पेरेंट्स की और अपने जितने भी एल्डर्स वगैरह हैं सबकी दुआएं साथ लेके चलें तो बिल्कुल कामयाबी आपके कदम चूमेगी बहुत बहुत धन्यवाद अमान जारी ये थे कश्मीर के वो प्लेयर जब टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे अमान हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू